नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे साई वास्तु रेमेडी चैनल में। और आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार साउथ डायरेक्शन की इम्पॉर्टेंस। साउथ डायरेक्शन में मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इस डायरेक्शन में यमा, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, और भगवान श्री हनुमान साउथ डायरेक्शन में है। इसी तरह यह डायरेक्शन आप में एक रिलैक्सेशन फीलिंग क्रिएट कराता है और हर एक काम करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आप में हमेशा बनाए रखता है। इसी तरह यह डायरेक्शन आपको फेमस और रिकग्निशन देने में भी हेल्प करता है। यह डायरेक्शन आप में एक डिसिप्लिन क्रिएट कराता है, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कराता है, करेज बिल्डअप कराता है और एंथुजियाज्म बूस्ट करता है। इसी तरह यह डायरेक्शन आपको आपके पैशन से कनेक्ट करवाता है और उसे किक स्टार्ट देने में भी हेल्प करता है, जोश क्रिएट कराता है ताकि आप कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकें। इसी तरह साउथ डायरेक्शन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस डायरेक्शन में किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज हो, आप में हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करा सकता है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपके शरीर में एक हीट प्रोड्यूस होना जरूरी है। और अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज है, तब वह इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को ऑपोजिट कर देता है, यानी कि आपके नाम को खराब करने लग जाता है। आपको रिकग्निशन, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तब आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड किसी और व्यक्ति को ही मिलेगा, क्योंकि आपका बॉस इस आदमी को ही रिकॉग्नाइज करता है और आपके हार्डवर्कशिप को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, यानी आपका बॉस कभी भी आपकी मेहनत को नहीं देख पाता। इसी तरह यह जोन आप में हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करवाता है, आप में भय यानी आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर को एकदम डाउन करा देता है, जिससे आपको कॉम्पिटिटर से डर या फिर रात में नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कभी भी रिलैक्स नहीं फील कर पाते, किसी भी कार्य करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। इसी तरह अब हम जानेंगे देवताओं के बारे में। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। फाइव एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज। पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, नाइन प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है, तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद भी आप सारे रेमेडीज के प्रोडक्ट्स हमारे शोरूम में ही मिल जाएंगे। साउथ डायरेक्शन में पुष्प देवता है, जो आपके जीवन को हष्ट पुष्ट बनाने में आपकी मदद करता है। इष्ट देवता यानी कि गृहस्थ आपके घर के 170 डिग्री में है, जो आपको किसी भी कार्य में फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करता है और आपके मन को एक दायरे में ही बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। इस डायरेक्शन में आपको हनी चढ़ाना है ताकि आप गृहस्थ के एक्टिविटीज को बूस्ट कर दें। इसी तरह बैक साइड में स्वास्तिक और कलर थेरेपी कोडिंग किए गए हैं। नेक्स्ट देवता है गंधर्व देवता। यह देवता आपके घर के 195 डिग्री में विराजमान है, जिनका प्रसाद सुगंधित पुष्प है, जो आपके जीवन में एंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग और आपको हमेशा खुश रखने में हेल्प करता है। इसी तरह बैक साइड में स्वास्तिक और कलर थेरेपी कोडिंग किए गए हैं, जो इन देवता के एक्टिविटीज को बूस्ट कर दे। इसी तरह नेक्स्ट ब्रिंगराज है, जो आपके घर में 205 डिग्री में है और इनका प्रसाद काली मिर्च है। अगर आपके प्रयास हमेशा असफल हो रहे हैं, तब आपको इन देवता का कार्ड आपके घर के 205 डिग्री में रखना है और इनका प्रसाद काली मिर्च इस डायरेक्शन में आपको चढ़ाना है। और इसी तरह बैक साइड में स्वास्तिक और कलर थेरेपी कोडिंग किए गए हैं, जो इन देवता के एक्टिविटीज को बूस्ट कर दें। इसी तरह नेक्स्ट देवता यानी इंद्र देवता, वो आपके घर में 210 डिग्री में है, जिनका प्रसाद मूंग दाल है। यह आपके जीवन में सेविंग्स और आपके मनी को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह बैक साइड में स्वास्तिक और कलर थेरेपी कोडिंग किए गए हैं, जो इन देवता के एक्टिविटीज को एक्टिवेट कर दे। विवश्वान देवता, यह आपके घर में 180 डिग्री में, यह आपके जीवन को चमकाने में आपकी हेल्प करता है, यानी आपको फेमस और रिकग्नाइज्ड पर्सन बनाने में आपकी हेल्प करता है। इनका प्रसाद कर्ड को चढ़ाना चाहिए। इसी तरह बैक साइड में स्वास्तिक और कलर थेरेपी कोडिंग किए गए हैं। अब हम जानेंगे आपके घर में सदर्न साइड में आप किस टाइप के कलर्स कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में आप रेड कलर कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं और ऑरेंज शेड्स कर सकते हैं, क्योंकि यह फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
आप इस डायरेक्शन में ब्लू कलर आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लू वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह आपको येलो शेड्स भी इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में येलो होने के कारण आप फायर एलिमेंट को अर्थ एलिमेंट कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण फायर एलिमेंट कम हो जाए। अब हम हमारे रेफरेंस के लिए एक प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं, यानी कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। इसी तरह चार सब डायरेक्शंस, यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। इसी तरह अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन कट है, तब वह फायर एलिमेंट को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपको साउथ डायरेक्शन के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं। तब हम जियोपैथिक रॉड्स के द्वारा आपके साउथ डायरेक्शन के कट इफेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं, ताकि जियोपैथिक की पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के साउथ डायरेक्शन के कट को रिमूव कर दें और आपके फायर एलिमेंट को इंक्रीज कर दें। इसी तरह अगर आपके साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो ब्रह्मस्थान से फ्लो होए गए जो एनर्जीज है वो साउथ डायरेक्शन में रीच होते ही वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण साउथ डायरेक्शन में फायर एलिमेंट कम हो जाता है। तब हम साउथ डायरेक्शन के हेलिक्स को आपके घर के साउथ डायरेक्शन में रख देते हैं, ताकि साउथ डायरेक्शन की जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो जाए और आपके जीवन में आपको साउथ डायरेक्शन के एक्टिविटीज मिल पाए। इसी तरह साउथ डायरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम रेड जैस्पर की ट्री भी आपके घर के साउथ डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, क्योंकि ट्री ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह रेड जैस्पर साउथ डायरेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इसी तरह अगर आपके साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट बनाया गया हो, तब वह साउथ डायरेक्शन में नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करता है। तब हम आपके टॉयलेट के चारों तरफ कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं, क्योंकि कॉपर की स्ट्रिप नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करता है। और इसी तरह हम रेड कलर की टेप आपके टॉयलेट के चारों तरफ प्लेस करते हैं, ताकि वह टॉयलेट के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिमूव कर। लेकिन ब्लॉक करने के बाद उसको डेली यूज होने के कारण इस डायरेक्शन में 15-20% नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है। तब हम एक टॉयलेट प्रोटेक्टर के द्वारा इस कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज को भी ब्लॉक कर देते हैं और आपके साउथ डायरेक्शन के टॉयलेट को 100% ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक होने के बाद यह प्रोटेक्टर आपके साउथ डायरेक्शन के एनर्जीज को भी बूस्ट कर देता है। इसी तरह अगर हम मेन डोर की बात करें, तब साउथ डायरेक्शन में केवल S3 और S4 में ही मेन डोर पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करता है, लेकिन बाकी किसी भी डायरेक्शंस में, यानी कि S1, S2, S5, S6, S7 और S8 में आपके घर के मेन डोर्स नेगेटिव एनर्जीज ही एंटर होती है। और अगर आपके घर में S7 में आपका मेन डोर बनाया हुआ हो, तब हम वर्चुअल एंट्री के द्वारा आपका मेन एंट्रेंस वर्चुअली S3 या S4 में ओपन करा सकते हैं। और वर्चुअल एंट्री हम कैसे ओपन करें, इसका वीडियो का लिंक हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपका मेन डोर किसी गलत डायरेक्शन में बनाया गया हो, तब हम यह यंत्र का प्लेट भी आपके मेन डोर के अपर साइड में रख सकते हैं, ताकि यह मेन डोर के नेगेटिव इफेक्ट्स को ब्लॉक करें और साउथ डायरेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। इसी तरह साउथ डायरेक्शन के एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए हम लकी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इस डायरेक्शन मंगल यंत्र और नंबर 9 जो एस्ट्रोलॉजी में साउथ डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। इसी तरह यह डायरेक्शन आपको फेम और कॉन्फिडेंस जैसे एट्रीब्यूट्स आपको देता है। इसके बैक साइड में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर करना है और यह कार्ड आपको आपके घर के 180 डिग्री में ही प्लेस करना, ताकि यह लकी कार्ड आपके साउथ डायरेक्शन के एक्टिविटीज को बूस्ट कर दे। इसी तरह अगर किसी को भी मांगलिक दोष हो, तब हम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी हम रोक सकते हैं, यानी कि आपको एक मांगलिक दोष का प्रोटेक्टर आपको अपने साउथ डायरेक्शन में प्लेस करना है। और इसी तरह एक मंगल यंत्र इस बूस्टर पे प्लेस करके आपको इस डायरेक्शन में रखना है, ताकि आपके मंगल दोष को रिड्यूस कर दें। इसी तरह हम ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हैं, जो मंगल दोष के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिमूव करता है। इस ब्रेसलेट के साथ आपको एक मंगल ग्रह का भी यंत्र मिल जाएगा। आप इस तरह का कॉपर का पिरामिड्स भी अपने साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स साउथ डायरेक्शन के एनर्जीज को बूस्ट करता है और कॉपर साउथ डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। इसी तरह हम एक ट्रायंगल पिरामिड भी आपके घर के साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स कॉस्मिक एनर्जीज को बूस्ट करता है और कॉपर साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हम वास्तु पोस्टर यानी हॉर्स को साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि हॉर्स फुर्ती को रिप्रेजेंट करते हैं और यह पोस्टर साउथ डायरेक्शन में रखने से साउथ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स बूस्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति मेष या फिर वृश्चिक राशि के हैं, वह यह पेंडेंट्स पहन सकते हैं, ताकि यह पेंडेंट्स आपको सपोर्ट करें। इसी तरह मेष और वृश्चिक राशि
यह रुद्राक्ष रख सकते हैं क्योंकि यह उनमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। हम हनुमान यंत्र का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। इसी तरह अगर आप में मंगल के एट्रीब्यूट्स वीक है तब आप मंगल यंत्र का पेंडेंट भी पहन सकते हैं ताकि वह आप में मार्स प्लैनेट के सारे एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर दे। इसी तरह जिनको फेम और पावर जैसे एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है वह यह पायरा कार्ड भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं क्योंकि पायरा कार्ड आप में फेम और पावर इंक्रीज कर देता है। इसी तरह आप रेड एवेंचर का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं क्योंकि यह साउथ डायरेक्शन के एक्टिविटीज को बूस्ट करता है और आप में नेम फेम और रिकॉग्निशन जैसे एट्रीब्यूट्स बिल्डअप करता है। अगर हम सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बारे में जाने तब साउथ डायरेक्शन में मूंगा सपोर्ट करता है, यानी अगर आपके साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स है तब आप रेड कोरल आपके घर के साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ताकि यह पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट करे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।